जी बोले बार बोले तो भैया का झोला उड़ गया। मस्त देखो तो सादिम भी अभी कुरान पढ़ने बैठ गया है। कलिंगर हो गया, केला हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लेना है। और क्या हो गया, हालत खराब हो गई क्या? पहले दिन इनका चेहरा देखो सादिम का जरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान का चांद निकल गया है और हमने रमजान का चांद भी देख लिया। तो आप में से किस किस ने रमजान का चांद देखा कमेंट जरूर करना। तो आप सब लोग को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से चांद मुबारक और रमजान मुबारक। हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि सबका रमजान का महीना अच्छे से गुजरे, सबके घर में काफ़ी बरकत हो। और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करो कि हमारा भी रमजान का महीना अच्छे से गुजर जाए। और ये खास करके दुआ करना कि पूरे रमजान की तबीयत अच्छी रहे ताकि मैं पूरे रोजे में रख सकूं, तबीयत ख़राब ना हो मेरी। और मुसलमान दोस्तों के साथ साथ जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन देखने वाले हमारी वीडियो हैं, उनको भी रमजान का महीना मुबारक। आप लोग हमें रमजान जैसे हमेशा सपोर्ट करते हो हमारे हिंदू भाई बहन लोग, वैसे हमें रमजान में भी सपोर्ट करना और हमारे लिए दुआ करना कि हमारे महीना अच्छे से गुजरे और सब लोग मिलजुल कर रहें। रमजान का महीना तो काफ़ी बरकत का है, तो हमारी दुआ के सबके घर में काफ़ी बरकत आए और सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रमजान का महीना गुजरे। तो अभी हो गया ईशा का टाइम, हम नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की और ये हम फुल ब्लॉग बनाएंगे सहरी से लेके मतलब अभी से लेके अफ्तारी तक। तो ये फर्स्ट रोज़ा का पूरा ब्लॉग आप लोग देख जरूर देखना और सपोर्ट करना, हमारे वीडियो को शेयर भी करना और पापा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हाँ मेरा मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बोलने में आप लोग को पता है तकलीफ होती है, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कर दूंगा, बाकी भी लोग बोलेंगे फिर ये लोग पूरी बनाएंगे पूरा बोलेंगे। तो अब हम चलो मिलते हैं सुबह सहरी में। दोस्तों अभी सुबह के 4 बज रहे और सहरी करने का वक्त हो चुका है, तो हम सब उठ गए यहाँ पे। आप देख सकते हो पापा सबसे पहले ही दस्तरखान पे बैठ गए और पापा का खाना भी अम्मी ने दे दिया है। और यहाँ पे सादिम भी उठ चुका है जो कि अभी भी नींद में, ऐसे सोना ऐसे सहरी नहीं करनी। तो अम्मी ने हम लोग का नाश्ता रख दिया है, देखते हैं हम सहरी में क्या खाते हैं। ये रमज़ान की हमारी पहली सहरी, तो पापा तो अपना लिक्विड वाला खाना खाएंगे और हम लोग चाय बटर टोस्ट खाएंगे। देखो मम्मी कल ही टोस्ट लेकर के आई है, ये मस्त। तो दोस्तों सहरी में मेरा ये लिक्विड वाला खाना है और ये चाय है, सॉस है, बटर है और साथ में बिरयानी है, पाव है। तो सादिम बहुत ही मुश्किल से सुबह सुबह उठा और अब वो ब्रश कर रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें सुबह उठ गया? अच्छा लग रहा है। ब्रश करते वक्त बोल रहा है तो क्या खाओगे? बिरयानी खाओगे, चाय खाओगे, बटर खाओगे, पाव खाओगे, क्या खाओगे? पहले तो मैं हाँ तो खाओ, चाय दूँ मेरे चाय खाओ। हमारे बिरयानी खाई देखो, सुबह सुबह वड़ा पाव खा ली होता हूँ सहेली में। वड़ा पाव सहेली में वड़ा पाव कौन खाता है यार? मुंबई वाली है, वड़ा पाव खा रही है। तो अभी फजर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो नमाज पढ़ने से पहले पापा बैठ गए हैं कुरान पढ़ने और देखते हैं कि इस साल पापा कितना कुरान पढ़ पाते हैं, क्योंकि पिछले साल पापा ने 2 कुरान पढ़ा था और उससे पहले वाले साल पापा ने 6 कुरान पढ़ा था। तो सादिम भी अभी कुरान पढ़ने बैठ गया है, तो देखो दोनों बाप बेटे साथ में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी अजान हो रही है तो पापा और मैं जाएंगे अभी फजर की नमाज पढ़ने। तो चलो पापा अभी चलते हैं मस्जिद नमाज पढ़ के आते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने और मारिया और मम्मी घर पे नमाज पढ़ेंगे। तो चलो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं मस्जिद से और अभी क्या करेंगे पापा? अभी सोने और इन लोग को जाना है स्कूल, अपने स्कूल की तैयारी करो। अब बाद में स्कूल नहीं जाऊँ, ये सब लड़ गया। नहीं, नहीं। हमारा पूरा सिलेबस भी हो गया है, स्कूल जाना ही आना है। ये नहीं कि रोजा तो स्कूल नहीं जाओगे, ऐसा नहीं, रोजा नहीं बोल रहा, हमारा पूरा सिलेबस हो गया है, स्कूल जाना है तो जाना है बस। अब्बा प्लीज मानिए, अब्बा प्लीज नहीं जाओ, प्लीज प्लज नहीं यार, जाना है यार स्कूल। अम्मी 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 प्लीज अम्मी अम्मी। तो सादिम आ गया, तैयार हो गए, इनके स्कूल का टाइम हो गया है। तो आज पहला रोजा और पहला रोजा रख के लोग स्कूल भी जाएंगे, तो देखते हैं आज इनका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। चलो अल्लाह हाफिज। चलो हेलो, हाँ हाँ जाओ।
तो दोस्तों थोड़ा टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आ गया। तो कई घर में नमाज पढ़ रही है और ये बच्चे लोग भी स्कूल से वापस आ गए। देखो उनकी हालत थोड़ा थोड़ा डाउन हो रही है क्योंकि पहला रोजा है ना, और गर्मी में मुंबई में गर्मी बहुत पड़ रही है, समझ लो एकदम ठंडी हल्का। तो हाँ सुबह सुबह ठंडा था, इसलिए बहुत गर्मी है। तो अभी लोग नमाज का दोहर का वक्त हो गया, शादी मस्जिद में नहीं पढ़ पाया जमात के साथ, ये घर में नमाज पढ़ लेगा है ना। चलो तैयार हो जाओ, थोड़ा कपड़ा चेंज करो, नमाज पढ़ो। दोस्तों स्कूल से आके और नमाज पढ़ के देखो सो गए इनकी और एक मैडम यहाँ, देखो ये यहाँ सो रही है, चद्दर उड़ के, गर्मी इतनी है और चद्दर उड़ के सो रही है। चार बजने वाले हैं, अब साड़ी लाने का टाइम हो गया, लेकिन बच्चे लोग सोचा बच्चे लोग को लेकर जाऊँगा, अब साड़ी वगैरह लूँगा, लेकिन लोग सो ही रहे हैं। तो हमारे तो कहीं अब जाते हैं, अब साड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि पहला रोजा ना बच्चे लोग को थोड़ा सा मतलब लग रहा है, बच्चे लोग को पहला पहला धीरे धीरे दो चार रोजा रखेंगे, आज पड़ जाती फिर मुझे तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा रोजा हम लोग मार्केट आ चुके हैं और दुकानें सब लगी हुई है। जो चाहिए ले ले, भी लाल भी लाल है। कितना? एक दर्जन केला। एक दर्जन केला, कलिंगर हो गया, केला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लेना है। और देखो दोस्तों यहाँ एक बड़ा टमाटर, एक छोटा टमाटर, लेकिन देखो बड़ा वाला ना लेके छोटा ले रही क्योंकि सस्ता है, और चल आ गए सस्ता टमाटर ले रही है। तो अब हम अंगूर लेंगे क्योंकि हमारे साजू को अंगूर बहुत पसंद है, उसका फेवरेट अंगूर, तो भैया से अंगूर लेंगे। यहाँ अंगूर ले रहे हैं, रुपये यहाँ भैया ले रही है। और क्या? खरबूजा। खरबूजा कैसे दिया भैया? खरबूजा हाँ, तो उसका देख सही हो तो ले ले खरबूजा भी, 20 रुपया नहीं है क्या? अब ऑरेंज लेंगे, मीठे मीठे ऑरेंज, झोला झोला भरने के बाद अब एप्पल ले लेते हैं बस। पैसा देना मेरे पास कहाँ पैसा। तो रुपया का झोला उठ गया अब मस्त। देखो हम लोग सही लेके आ गए, तुम सो रहे थे ना, हम लोग चले गए तुमको छोड़ के। क्या हो गया, हालत ख़राब हो गई क्या पहले दिन? इनका चेहरा देखो साथियों को जरा, अभी देखो स्माइल भी नहीं निकल रही है, इनकी हालत ख़राब है। देखो पहले रोज में हालत ख़राब हो गई इनकी, अब वो तो सो ही रही है अभी तक। ये देखो आइए, और ये देखो मम्मी ने काफ़ी सारे फ्रूट्स लाए हैं, उनको मैं बताती हूँ। ये देखिए एप्पल, मौसम्मी, खरबूजा, एप्पल, नींबू, टमाटर, हाँ संतरा, सब सारी फ्रूट्स लाए हैं मम्मी। तो इनको इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए जो है ना, देखो अफ्तारी अलग से स्पेशल कर लेगी क्योंकि मैं इतना मोटा मोटा खा नहीं पाऊँगा सब, मेरे लिए पतले पतला। देखो ये बारीक बारीक काटा जाएगा इसे, मेरे लिए स्पेशल सब कुछ। नहीं काम करना, सबका जूस बना दे, पीने में आसानी जाएगी, फटाफट पी लूँगा। हाँ यार जूस ही बना देना। हाँ यार नहीं ऐसे ही काट के खाओ। चलो अच्छा थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, चलो ठीक है। स्कूल से आने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, तो अब मैं भी उठ चुकी हूँ। पापा शादी में गए हैं अभी नमाज पढ़ने मस्जिद, तो यहाँ पे मम्मी और मैं घर में मिल करके सारे इफ्तारी का काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे मटर उबल चुके हैं और ये सादे मटर हैं, तो थोड़े से हम पापा के लिए भी निकालेंगे और उसके बाद अपना तीखा तीखा मटर बनाएंगे अलग से। तो मम्मी को ऐसे करना पड़ता है, एक सादा बनाना पड़ता है कोई भी सामान, और एक तीखा बनाना पड़ता है, एक पापा के लिए और एक हमारे लिए। फिर मटर बनाने के बाद मम्मी ने यहाँ पे आलू भी निकाल लिए, तो हम आलू की भजिया बनाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे पापा के लिए सादा रगड़ा निकाल दिया है और कुकर में हमारे लिए मस्त मिर्ची मिर्ची डाल के फिर से रगड़ा चढ़ा रहे हैं। ये देखो हरी मिर्ची काट के डाल दी, खटाई डाल दी और एक्स्ट्रा नमक मिर्ची डाल दिया। तो मारिया इतनी देर से कुछ काम नहीं कर रही थी, तो फाइनली वो भी कुछ काम करने के लिए बैठ गई। बेसन घोलूंगी मैं आटे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं बेसन, पहले पानी डालेंगे, पानी जैसे धीरे धीरे बेसन घोलेंगे और उसमें ये भी आना नहीं चाहिए। क्या क्या? ये बड़ा बड़ा पार्टिकल। तो पहले आलू को लेंगे एक पीस, फिर उसको बेसन में डिप करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। क्या बनावत जाओ? ओ मेरा आलू क्या बनावत? क्या आलू की भजिया? भजिया बनावत क्या? कहा आलू की भजिया बनावत क्या है मेरे घर में भैया? आज अफ्तारी का टाइम होने वाला है, पापड़ भी रखा है, देखो यो चला जाए पापड़। और शादी हमारे रोजे का मजा ले रहा है दोस्त, यही होता है असली रोजा। रोजा मालूम पड़ना चाहिए, भूख प्यास लगना चाहिए तो रोजे मजा आता है ना।
इसको मजा आ रहा है, बस आधा घंटा और है। तुम्हें नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं आ रहा? तुम ताकतवर हो, तुम ताकतवर हो। आई एम ताकतवर, स्ट्रांग बॉडी, स्थिर बॉडी। रुवाफ्जा में चलो बर्फ डालो। तो ये देखो बर्फ कैसा है, कटोरे वाला बर्फ। ये रोजा खोलने का वक्त तो होने वाला है, हम सब दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांग लो, अफ्तारी के वक्त दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करते हैं। तो मेरी तबीयत के लिए दुआ मांग लो कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, और जो तुम्हारे दिल में हो, जो अल्लाह से मांगना हो, अच्छी अच्छी चीज़ें मांग लो। तो अल्लाह हमारी नमाज और हमारा रोज़ा कबूल करे, अल्लाह ये मांग लो। घर में बरकत आए, अपने साथ साथ और सभी सभी के लिए दुआ मांगी जाती है, अपने लिए नहीं। बोलने में और खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है, अल्लाह कबूल कर लो। आपकी सब कोई सही करने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं, अल्लाह ताला से वापिस सब कुछ सुन सकते हो। तो हमारे नमाज रोजे में गलती हो गई तो गलती को माफ़ करके हमारा नमाज रोजे में कबूल कर लेना, और मेरी तबीयत सही कर दो, मेरे बच्चे सब लोग खुश रहें। तो अभी हम आपको बता देते हैं लाइन से कि इफ्तारी में मम्मी ने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले ये पूरा जो थाला है इसमें फ्रूट्स कटे हुए हैं सारे, पापा के लिए भी, हमारे लिए भी। यहाँ पे मम्मी ने वड़ा और समोसा बनाया है, और साथ में आलू की भजिया बनाई है, और पापा का रगड़ा है ये, और यहाँ पे सब कांदा टमाटर वो सब कट किया है डालने का सामान। हाँ, और ये सादिम का फेवरेट है पापड़, ये भी तल दिया है। और मेरा फेवरेट नहीं रहा, अब मेरे को तो फ्रूट्स पसंद है और तो मेरे को तो शरबत पसंद है। और ये तीखा वाला रगड़ा हम लोग के लिए है, और सबसे स्पेशल एकदम ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग शरबत। दोस्तों अजान हो रही है, अजान की आवाज आ गई है, चलो दुआ पढ़ो और रोजा खोलो सब लोग। पापा भी खजूर खा रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला रोजा काफ़ी अच्छे से गुजर गया, और मगरिब की नमाज भी हम लोगों ने पढ़ ली है। तो अभी लेकिन अफ्तारी बाकी खाने के लिए अभी हम आराम से खाएंगे। तो आप लोग का पहला रमजान कैसे गुजरा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, थोड़ा हमें सपोर्ट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए दुआ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।